देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं ममता व्यस्त, आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर खटीमा से, उधम सिंह नगर जनपद में लगातार बढ़ते जा रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा वांछित इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। खटीमा पुलिस ने 2017 से फरार 1000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आपको बताते चलें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशन पर इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खटीमा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2017 में खटीमा कोतवाली में पंजीकृत एक मुकदमे में वांछित चल रहे अपराधी, जिस पर पुलिस द्वारा 1000 का इनाम घोषित किया हुआ था, उसे खटीमा कोतवाल नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खटीमा के पहनिया चौराहे से गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आया इनामी अपराध हरवंत सिंह निवासी ग्राम भड़ा बुढ़िया पर वर्ष 2017 में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, तभी से यह आरोपी फरार चल रहा था। कोतवाली खटीमा के एसआई भुवन जोशी के अनुसार इनामी आरोपी को संबंधित धाराओं में दर्ज मुकदमे के आधार पर जेल भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। 2017 में एक मुकदमा लिखा गया था 420/71 का, तब से हरवंत सिंह फरार था, इस पर 1000 रुपए का इनाम घोषित था। कल पुलिस को सूचना मिली कि ये इसी क्षेत्र में कहीं घूम रहा है, आज पेनिया चौराहे के पास से इसे गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।